हेडलाइन के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री आवास पर किया गया झंडोत्तोलन, सीएम नीतीश कुमार ने फहराया तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने किया ध्वजारोहण। और सीतामढ़ी में जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा ने किया झंडोत्तोलन, जिले के लाभकारी योजनाओं के बारे में दी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर तरफ देशभक्ति की लहर देखी जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर सीएम नीतीश कुमार ने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान सभी के चेहरे पर मास्क नजर आए, साथ ही सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। बता दें कि 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भाजपा के प्रदेश कार्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ध्वजारोहण किया। वहीं इस मौके पर भाजपा के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आज देश के लिए भी एक परिवर्तन का दिन है। आज ही से 74 साल पहले आजादी तो हमें मिली थी, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में एक आह्वान किया था, जिसमें बिजली, सड़क, सभी गरीबों को घर, शौचालय जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की बात कही थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इससे आगे बढ़ करके प्रत्येक नागरिक का स्वास्थ्य डाटा और उनका डिजिटल कार्ड, प्रत्येक बच्चे के भविष्य के लिए और उसकी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा हो उसके लिए शैक्षणिक सुधार, और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर पर सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को, अर्थात जल को, सड़क को, रेल को, सभी को एक साथ समन्वित करने का जो बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है, वह भारत के आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा दूरगामी परिणाम साबित करने वाला कदम। सीतामढ़ी में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर परेड की सलामी भी दी गई। डीएम ने इस दौरान अपने संबोधन में जिले की उपलब्धि और सरकार के लाभकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। को मुक्ताकाश में भेजकर अपने संकल्प को दोहराता हुआ जोरदार करतल ध्वनि से इस संकल्प दृढ़ इच्छा शक्ति को। मोकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में 74वां स्वतंत्रता दिवस समारोह काफी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मोकामा प्रखंड कार्यालय पर प्रखंड प्रमुख सर्वजीत कुमार समेत तमाम संस्थानों ने ध्वजारोहण किया। कोरोना वायरस को लेकर हर तरफ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। चौहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस पर बिहार शरीफ में जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने झंडोत्तोलन करते हुए अमर शहीदों को याद किया। इसके पूर्व उन्होंने नालंदा पुलिस के परेड का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर तबके के लिए जिले में लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं। वहीं प्लाज्मा डोनेट करने वाले 3 कोरोना वॉरियर्स को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। साथ ही हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधि आज के परेड का नेतृत्व कर रहे सार्जेंट मेजर साहब, उनके उप कप्तान, आज की परेड का हिस्सा ले रहे दोनों टुकड़ियों के सभी सैनिक, सभी हमारे पुलिस फोर्स के सदस्य, सशस्त्र महिला पुलिस के हमारी सभी सदस्याएं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी साथीगण। बेगूसराय में भी 74वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बेगूसराय के डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने गांधी स्टेडियम में झंडोत्तोलन किया। वहीं बरौनी के रिफाइनरी परिसर में भी बरौनी रिफाइनरी की ईडी शुक्ला मिस्त्री ने झंडोत्तोलन किया। झंडोत्तोलन के बाद डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने झंडे को सलामी दी। अपने संबोधन के दौरान डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन के द्वारा किए गए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। सहरसा में भी हर्षोल्लास के साथ 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सहरसा स्टेडियम में मुख्य झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया,
झंडोत्तोलन से पूर्व कोसी प्रमंडलीय आयुक्त के सेंथिल कुमार ने स्कॉच वाहन से स्टेडियम में परेड निरीक्षण किया, जिसके बाद झंडोत्तोलन किया और तिरंगे को सलामी दी। सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड के सहुरिया पश्चिमी पंचायत स्थित धमसेना गांव में 1,47,72,000 रुपए की लागत से बनी पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन मधेपुरा लोकसभा सांसद दिनेश चंद्र यादव ने फीता काटकर किया। वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए उप विकास आयुक्त ने बताया कि पंचायत सरकार भवन बनने के बाद आज से 40 प्रकार की सेवाएं स्थानीय लोगों को पंचायत सरकार भवन से मिलेगी, जनता को मिलेगा। इसे नहीं, जनता को तो लाभ मिलेगा ही। सरकार पहले भी पंचायत भवन बनता था और आज के दिन में जो बन रहा है कोई तुलना है ही नहीं। और सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि सभी पंचायत में पंचायत सरकार भवन बने। हम तो धन्यवाद देते हैं डीडीसी साहब को कि लगे रहते हैं दिन रात जमीन के लिए। आजकल तो जमीन में भी बहुत तरह का बखेरा रहता है, लेकिन उसको ठीक करने में समय लगता है। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी सुरसत कपिल अशोक ने नगर भवन में मास्टर ट्रेनर को निर्वाचन के तकनीकी पहलू का पाठ पढ़ाया। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन में छोटी सी चूक भी माफ नहीं की जाएगी। वहीं उन्होंने आगे कहा कि ईवीएम वीवीपैट के त्रुटि को किसी प्रकार दूर किया जाता है, इसकी जानकारी आवश्यक रूप से सभी चुनाव कर्मियों को होनी चाहिए। पीपल्स गवर्नमेंट जो है एक प्रोसेस से बनता है, वो है इलेक्शन। और इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अलग अलग निर्देश दिए जाते हैं उनके द्वारा। अरवल जिले में हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर अरवल के गांधी मैदान में अरवल जिला अधिकारी रविशंकर चौधरी द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि विकास के मामलों में अरवल अग्रणी जिला के रूप में रहा है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।